अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फोकसेट पे का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी इजीली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर दीजिए। इस चैनल पर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस और डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप वेबसाइट को ओपन कर लें। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपने सिंपली साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम इंटर करना है, ठीक है। यूज़र नेम आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है, उसमें ठीक। उसके बाद आपने का जीमेल ईमेल एड्रेस यहाँ पे इंटर करना है। ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद यहाँ रिपीट ईमेल एड्रेस दोबारा इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपने अगेन पासवर्ड इंटर करना है। अगेन पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने सिंपली नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद आपने यहाँ पे यहाँ टर्म एंड कंडीशन को चेक मार्क कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिया गया था, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पे कैप्चा पे क्लिक करके और साइन अप पे क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैक आ जाता हूँ और यहाँ से अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह, आपने जो ही लॉगिन करेंगे तो आपने यहाँ पे ये वाला कैप्चा जैसे साइन अप पे किया था, वैसे साइन इन पे भी करना है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे स्टार के बिल्कुल सामने, तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन है, यहाँ पे लॉग इन सेलेक्ट कर देना है, क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ ये आपका यूज़र डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको करेंसी के डिफरेंट वॉलेट शो हो जाएंगे। यहाँ पे बिटकॉइन वॉलेट, उसके बाद एथेरियम, डोगी कॉइन, लाइट कॉइन, बिटकॉइन, यहाँ पे सब आपको कॉइन्स ये शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कॉइन, यहाँ पे TRX वगैरह सब कॉइन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, तो अब मैं यहाँ आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पे किसी भी अगर वेबसाइट से आप अर्निंग करते हैं तो वहाँ वहाँ पे आपने अर्निंग की पेमेंट यहाँ पे कैसे रिसीव करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने यहाँ पे विड्रॉ वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है सिंपली। तो विड्रॉ वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वॉलेट्स के जो है ना एड्रेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आपने सिंपली अगर आपने किसी वेबसाइट से बिटकॉइन की पेमेंट लेनी है तो यहाँ पे इस एड्रेस को यहाँ पे से कॉपी कर लेना है। तो सिंपली आपने यहाँ पे इसको कॉपी करके सेंड कर देना है, अगर वेबसाइट पे लगा देना है तो आपकी पेमेंट उस वेबसाइट से यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप यहाँ से इथेरियम में लेना चाहते हैं तो इथेरियम का एड्रेस भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप डोगी कॉइन का एड्रेस
लेना चाहते हैं डोगी कॉइन में पेमेंट लेना चाहते हैं तो इसका एड्रेस भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। सिंपली आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है एड्रेस को, और एड्रेस को कॉपी करके आपने उस पेमेंट मेथड में लगा देना है, तो आपकी पेमेंट यहाँ पे डोगी कॉइन में और लाइट कॉइन में लेना चाहते हैं तो लाइट कॉइन का एड्रेस भी है। तो डिफरेंट जितनी भी करेंसीज हैं उन सब के करेंसी के वॉलेट के यहाँ पे एड्रेस आपको मिल जाएंगे। सिंपली आपने यहाँ से वॉलेट एड्रेस को कॉपी करना है और आपने लगा देना है विड्रॉ पे, तो आपका वॉलेट विड्रॉ इस फोकसट में आ जाएगा, ठीक है। और फोकसट में आ जाएगा उसके बाद आप यहां से अपने अकाउंट को कैश मॉल वगैरह से लेकर कैश मॉल के थ्रू इजी पैसा और जैश कैश में निकलवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपना परफेक्ट मनी का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको परफेक्ट मनी का अकाउंट क्रिएट करने का कम्प्लीट वीडियो मिल जाएगी, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको परफेक्ट मनी का अकाउंट क्रिएट करने का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपना परफेक्ट मनी का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर आपको ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड और डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।